press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey दोस्तों, welcome to my channel Financial Adda. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है और इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है. तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और हम जानेंगे आज डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है. नेगोशिएबल इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कैश विच गारंटीज दैट द पर्सन गिविंग द इंस्ट्रूमेंट विल पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पर्सन रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट. दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो है जो कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कैश, और जो गारंटी देता है, जो रिसीव करने वालों को गारंटी मिलती है कि ये इंस्ट्रूमेंट उसको बैंक में या कहीं भी देगा तो उसको मनी मतलब पैसे मिल जाएंगे. ये होता है दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. द पर्सन गिविंग द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द पेयर. जो दे रहा होता है इंस्ट्रूमेंट वो पेयर होता है और जो रिसीव करता है वो पे ही होता है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गारंटी दैट द पेमेंट विल हैपन आइदर इमीडिएटली आर एट अ सेट फ्यूचर डेट आर एन डिमांड. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गारंटी देता है कि पेमेंट या तो अभी होगी या फ्यूचर में होने वाली है. जस्ट एज विद मनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू होते हैं. तो दोस्तों ये थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो दोस्तों मेन दो तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चेक और दूसरा होता है डिमांड ड्राफ्ट. तो अब हम जानेंगे कि चेक क्या होता है, व्हाट इज अ चेक. तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ चेक. अ चेक इज एन ऑर्डर रिटन डॉक्यूमेंट टू अ बैंक टू पे स्टेटेड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट ड्रॉयर टू अ पर्सन पे इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड. इफ यू हैव द सेविंग और करंट अकाउंट इन अ बैंक देन यू कैन इशू अ चेक इन योर ओन नेम और इन फेवर ऑफ अदर्स. दोस्तों चेक एक ऑर्डर रिटन डॉक्यूमेंट है जो बैंक को ऑर्डर देता है कि मेरे अकाउंट से इस अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो दोस्तों ये कैसे होता है कि मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल अड्डा से कोई सर्विस ली, तो फाइनेंशियल अड्डा को मैंने पेमेंट करनी है. तो मैंने क्या करा, एक फाइनेंशियल अड्डा को 1000 रुपीज़ का चेक दे दिया. अब दोस्तों फाइनेंशियल अड्डा बैंक में जाएगा और वो चेक बैंक में बोलेगा और उसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो दोस्तों ये होता है चेक. A cheque is an order written document to a bank to pay stated amount of money from a person account drawer to the person pay in whose name cheque has been issued. तो इसमें drawer कौन हुआ? Drawer हुआ जसकीरत सिंह, जिसने ये financial अड्डा से service ली, और financial अड्डा pay हुआ जिसने ये service देके उसको जो money receive हुई वो हुआ pay, क्योंकि उसको पैसा मिला और जसकीरत ने पैसा दिया इसलिए वो का payer. तो दोस्तों ये था चेक. अब हम जानेंगे कि चेक में देखो, जब दोस्तों हम चेक फिल कर रहे होते हैं तो काफ़ी लोगों को सोचने में आता है कि चेक्स के साइड में टू पैरेलल लाइंस हम क्यों डालते हैं. तो दोस्तों ये इसका मेन फीचर होता है अकाउंट पे ही ओनली. मतलब कि जो भी अगर आपने जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए को चेक दिया और आपने लिख दिया अकाउंट पे ओनली, साइड में टू पैरेलल लाइंस लगाई जैसे ये फोटो में मैं शो कर रहा हूँ अकाउंट पे ओनली, इसका मतलब है कि ये जो पैसा है मतलब जो मनी है वो सिर्फ मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी, कोई और किसी और के अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हो सकती, सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी. और दूसरी बात, ये कोई और बंदा अगर ला के उनको दे तो ये कैश भी उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी. इसका ये मतलब होता है अकाउंट पे ओनली. अकाउंट पे मीन्स अकाउंट पे ओनली मीन्स दैट द मनी विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द अकाउंट एंड नो मनी विल बी गिवन टू द बेयर. ठीक है दोस्तों, अब ये था अकाउंट पे ही ओनली का मतलब. तो दोस्तों चेक में भी जो हम फीचर चेक्स के जानेंगे, चेक में सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जिसको हमने चेक देना है. चेक की भी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है. चेक में MICR कोड होता है बैंक का, चेक नंबर होता है, और ये अकाउंट पे ही ओनली होते हैं. इसका आप तब डालोगे जब आपने उसको अकाउंट में ही देने हैं पैसे. ठीक है दोस्तों, ये था चेक. अब हम बात करेंगे व्हाट इज डिसऑनर ऑफ अ चेक. ऑन रिप्रेजेंटिंग अ चेक द बैंक शुड पे द स्टेटेड अमाउंट फ्रॉम ड्रॉयर्स अकाउंट टू द पे. इफ द बैंक पेज द स्पेसिफिक अमाउंट टू द पे द चेक इज ऑनर्ड. बट इफ बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट मेंशन ऑन द चेक टू द पे इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ अ चेक. अगर तो दोस्तों जैसे हमने बैंक में चेक दिया, अगर तो उन्होंने चेक हमारा पास करवा दिया तो वो हो गया ऑनर्ड, और जब बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया हमारा चेक तो उसको कहेंगे हम डिसऑनर ऑफ अ चेक. तो अब हम बात करेंगे ये रिफ्यूज़ क्यों होता है और इसके क्या रीज़न है. तो 7 रीज़न है व्हाई योर चेक इज़ डिसऑनर्ड, मतलब क्यों हमारे
और आपके चेक डिसऑनर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनसफिशिएंट फंड। दोस्तों इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से चेक डिसऑनर होता है। कभी कभार दोस्तों सैलरी लेट आती है जॉब पर्सन की, तो इससे क्या होता है चेक इशू चेक लग जाता है और सैलरी लेट आने के चक्कर से उनके इनसफिशिएंट बैलेंस के चक्कर से वो चेक बाउंस हो जाता है। तो आप जब भी चेक इशू करें तो अपना बैलेंस जरूर मेंटेन रखें या मिनिमम बैलेंस उसमें रखें कि चेक आपका ऑनर हो जाए। अब दोस्तों इरेगुलर सिग्नेचर के से भी चेक डिसऑनर होता है। अगर आपने जल्दी जल्दी में गलत सिग्नेचर कर दिए तब भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। और अगर किसी और ने आपके मान लीजिए कि आपका चेक गुम गया और वो ब्लैंक चेक है और किसी और ने आपकी तरह के सिग्नेचर कर दिए, पर बैंक उसको जरूर मैच करता है कि ये कल को ये फ्रॉड ना हो, तो ये बहुत अच्छा फीचर है बैंक का ये जानने के लिए ये फ्रॉड तो नहीं है, इसलिए वो इरेगुलर सिग्नेचर से डिसऑनर कर देता है। तीसरा दोस्तों ऑल्ट्रेशन मतलब आप बीच में कोई करेक्शन नहीं कर सकते। अगर चेक में आपने करेक्शन करी तो वो डिसऑनर हो जाएगा, इसलिए बैंक कहता है अगर आपकी चेक में कोई गलती हो गई तो आप उसको एक और नया चेक इशू कर लीजिए, उसमें ऑल्ट्रेशन ना करिए। पोस्ट डेटेड चेक्स, अब दोस्तों हम बात करेंगे फोर्थ ऑप्शन की, पोस्ट डेटेड चेक। अब मान लीजिए दोस्तों आपने फाइनेंशियल अड्डा मैंने जसकीरत सिंह ने फाइनेंशियल अड्डा को पेमेंट देनी है 1000 रुपीज़ की, तो जसकीरत सिंह ने कहा कि मैं आपको पेमेंट दूंगा 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई का मैंने उनको चेक दे दिया 1000 रुपीज़ का, पर फाइनेंशियल अड्डा को पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी तो वो 3 जुलाई को ही बैंक पहुंच गया, पर बैंक उसको मना कर देगी। बैंक यही कहेगी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, जिस डेट का चेक है तभी हम इसको आपको ऑनर कर सकते हैं, अभी हम नहीं दे सकते, डेट से पहले बैंक कभी भी हमारे अकाउंट से पैसे नहीं काटता। तो ये हो गया पोस्ट डेटेड चेक। अगर आपने चेक पहले दे दिया तो वो डिसऑनर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या है दोस्तों, अगर 3 मंथ्स चेक के निकल गए, चेक एक्सपायर हो गया डेट वैलिडिटी डेट से, तो वो तब भी डिसऑनर कर देगा बैंक। अब हम बात करेंगे या तो ड्रॉयर पेमेंट को स्टॉप कर दे। अब मान लीजिए मैंने चेक इशू कर दिया और मेरे को पता चला कि जिसको मैंने पेमेंट करनी है वो फ्रॉड निकलने वाला है, तो मैं अपने बैंक में जाके बात बोल सकता हूँ कि ये बंदा फ्रॉड है, आप मेरी पेमेंट रोक दीजिए, तब आपके ड्रॉयर के कहने पे वो चेक रोक सकते हैं। अब सेवन्थ बात करेंगे हम फ्रोजन अकाउंट की। अगर किसी ने गवर्नमेंट और कोर्ट ऑर्डर करती है किसी का अकाउंट फ्रोजन, तो वो उसकी चेक्स भी डिसऑनर होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ चेक इज बाउंस। अगर चेक बाउंस होता तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली तो पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी दोनों साइड लगती है, बोथ साइड, जो ड्रॉयर होता है जो चेक इशू करता है उसके ऊपर भी, और जो चेक रिसीव करता है उस पर भी। तो दोस्तों पेनल्टी दोनों साइड होती है, इसलिए कोशिश करिए अपना चेक कभी भी डिसऑनर ना होने दे, हमेशा चेक ऑनर हो जाए। और दूसरी बात डैमेज टू क्रेडिट हिस्ट्री, इससे सिबिल स्कोर में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक नेगेटिवली इम्पैक्ट्स योर क्रेडिट हिस्ट्री। ये देखिए दोस्तों ये जो बात लिखी है डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक नेगेटिवली इम्पैक्ट्स योर क्रेडिट हिस्ट्री, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिवली पड़ता है, कि इससे आपकी ये बात फैल सकती है कि आपके पास इनसफिशियंट बैलेंस है, आपके पास बैलेंस नहीं है, पर आप चेक इशू कर रहे हो तो गलत बात है, तो बहुत नेगेटिविटी फैलती है। इसीलिए आप कोशिश करा करो अपना चेक हर टाइम इशू ऑनर हो जाए, कभी भी डिसऑनर ना हो। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे डिमांड ड्राफ्ट। अब दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ये सिर्फ बैंक ही बनाता है, चेक जो होता है वो पर्सन जिसके पास सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट हो वो खुद इशू करता है, पर जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो सिर्फ बैंक इशू करता है। और डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के लिए बैंक अपना चार्जेस लेता है, बैंक उस कमीशन्स होती है। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, डिमांड ड्राफ्ट जो इशू होता है वो कभी भी डिसऑनर नहीं होता, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट इसलिए डिसऑनर नहीं होता क्योंकि वो पहले ही पेमेंट ले लेता है। मान लीजिए आपने मान लीजिए किसी भी कॉलेज की फ़ीस है, कॉलेज वाले हमेशा कहेंगे कि आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी दें हमें। क्यों डीडी? वो इसलिए बोलते हैं, अगर मान लीजिए मोस्टली पीपल अगर चेक दे दें कॉलेज को तो वो क्या होगा, कितने काफ़ी 90% लोगों के चेक डिसऑनर हो सकते। तो दोस्तों जो डिमांड ड्राफ्ट है वो इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये कभी भी डिसऑनर नहीं होता। और दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट के भी हम फीचर्स अब जानेंगे। डिमांड ड्राफ्ट भी जो है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, वो पेबल होता है। इसमें हम ये जरूर ऑप्शन डालते हैं कि पेबल कौन सी जगह होना है। अगर मान लीजिए पेबल है दिल्ली है, तो वो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो मुंबई में कभी भी ऑनर नहीं होगा, वो सिर्फ दिल्ली में ही ऑनर होगा। तो दोस्तों एक और बात है, डिमांड ड्राफ्ट बैंक मैनेजर के साइन होते हैं, इसलिए ये कभी भी डिसऑनर नहीं होता। पेमेंट पहले ही चली जाती है बैंक के पास, बैंक इसमें पहले ही पेमेंट रख लेता है। अब दोस्तों हम बात ये करेंगे, अगर मान लीजिए 3 मंथ्स हो गए
तो बैंक ये पेमेंट करेगा क्योंकि पैसे तो बैंक के पास ही पड़े हैं। अब मैंने मान लीजिए कॉलेज में डीडी दे दिया और कॉलेज ने डीडी बैंक में नहीं डाला, तो अब ये माने ये 3 महीने डीडी को हो गए हैं, तो क्या कॉलेज को पेमेंट मिलेगी? हाँ दोस्तों, पेमेंट जरूर मिलेगी, पर बैंक ये जरूर उनसे पूछेगा कि आप 3 मंथ्स पहले क्यों नहीं आए, क्या रीजंस थे आप जो 3 मंथ्स पहले 3 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं आए और 3 मंथ्स के बाद एक्सपायरी के बाद आप आ रहे हो। तो दोस्तों फिर भी बैंक जरूर पेमेंट करेगा क्योंकि बैंक के पास पैसे उसके ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के का मतलब यही है कि जो दो साइड में अगर डिमांड ड्राफ्ट के लाइंस हो, उसका मतलब यही है कि जो अमाउंट है वो सिर्फ अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, वो कैश नहीं पे करा जाएगा, वो सिर्फ अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। और ऑल डीडी अबव 20,000 हैव टू बी क्रॉस। मान लीजिए अगर 20,000 से कम का डीडी है तो वो क्रॉस नहीं भी करा जाएगा तो चलेगा, पर जो 20,000 से अबव है वो सारे क्रॉस होंगे क्योंकि ये आरबीआई का 2011 का एक रूल है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट। चेक और डिमांड ड्राफ्ट में एक्चुअल क्या डिफरेंस है? अब हम दोस्तों बात करते हैं, चेक इट इज़ इशू बाय इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर, ये इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर ही होल्डर इशू करता है, और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बैंक इशू करता है। इट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो चेक है वो रिक्वायर करता है सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, और डिमांड ड्राफ्ट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, वो अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर डिमांड ड्राफ्ट नहीं रिक्वायर करता, वो बैंक के कोई मैनेजर या बैंक के हेड डिपार्टमेंट का उसके सिग्नेचर रिक्वायर करता है। चेक कैन बी इशूड इवन इफ देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन द इश्यूअर अकाउंट। चेक कैन बी इशूड, जो चेक होता है, अगर मान लीजिए आज मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी मैं चेक इशू कर देता हूँ और पोस्ट डेटेड चेक देके कि 10,000 का मैं आपको चेक देता हूँ, पेमेंट क्लियर हो जाएगी, चाहे मैं कल परसों अपने बैंक में पैसे डाल लूँ, तो चेक हम इशू कर देते हैं। तो पर डिमांड ड्राफ्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट हम पहले ही बैंक को हमें पैसे देने पड़ते हैं तभी बैंक इशू करता है डिमांड ड्राफ्ट। देर इज़ अ चांस दैट चेक मे बी डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, जैसे कि हमने दोस्तों बात करी थी कि बैलेंस कम हो इसकी वजह से चेक हमारा डिसऑनर हो सकता है, पर डिमांड ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही पेमेंट ले लेता है। मे बी मेड पेबल टू आइदर अ बेयरर और द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक पे, कैन बी मेड पेबल ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफिक पे, नो चार्जेस ऑफ इशुएंस, बैंक टेक सर्टेन चार्जेस फॉर इशूइंग। जो चेक होते हैं उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, पर जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उसमें बैंक अपनी कमीशन लेता है। तो दोस्तों ये था चेक और डिमांड ड्राफ्ट में बेसिक डिफरेंस। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरी नई वीडियो बहुत ही जल्द आएगी जिसमें हम बात करेंगे NEFT, RTGS और IMPS में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट फाइनेंशियल अड्डा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा को। थैंक यू दोस्तों।